हेलो अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हिबा वैस और मैं आज की ट्यूटोरियल में बताऊंगी आपको कि मैं अपनी पिक्चर को एडिट कैसे करती हूँ थ्रू पिक आर्ट ऐप। और चलते फिरते मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, बस विद इन मिनट्स एडिटिंग हो जाती है। बट मैं आपको अभी इस ऐप में जितने भी यूज़फुल ऑप्शन है उसको बताऊँगी, बाकी आगे आपने एक्सप्लोर करना है। मैंने इस वक्त पिक आर्ट ऐप को ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पर मैं पिक्चर अपनी सेलेक्ट कर रही हूँ। एंड पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टूल का। टूल में जो सबसे पहले आपने काम करना है वो करना है पिक्चर को एडजस्ट करना है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ ब्राइटनेस अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लग रहा है वो ब्राइटनेस आप रखें। देन कंट्रास्ट यानी जो डार्कर एरियाज़ हैं वो डार्क हो जाते हैं हमारे, एंड लाइट और लाइट करना चाहेंगे तो थोड़ा लाइट हो जाते हैं, ठीक है। क्लैरिटी मतलब आप पिक्चर को क्लियर करना चाह रहे हैं, शार्पनेस उसकी बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह पिक्चर की क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। सैचुरेशन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि थोड़े से कलर्स को इन्हांस करता है, तो मैं अपने पिक्चर्स में थोड़े से शार्प कलर्स पसंद करती हूँ तो मैं सैचुरेशन ज़रूर बढ़ाती हूँ। हाईलाइट जो है वो हमारे थोड़े उसमें, अगर आपकी पिक्चर बहुत डल एरिया में आ रही है तो वो हाईलाइट के ज़रिए आपकी पिक्चर थोड़ी सी हाईलाइटेड हो जाती है, ठीक है। आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपने पिक्चर को एडजस्ट करना है। बाकी टूल में हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन भी है, अगर आप क्रॉप करना चाहें पिक्चर को। डिस्पर्जन का ऑप्शन है, डिस्पर्जन का ऑप्शन में आप देखें क्या होता है। डिस्पर्जन में बेसिकली अगर मैं सेलेक्टेड एरिया यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ तो इट गेट बिल्कुल ये ब्रेक करके आपको इस तरह डिस्पर्जन ऑप्शन देता है। और इसकी डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज की तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या है, जो टूल में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम इन्हांस करना चाहते हैं पिक्चर को, आप इन्हांस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, इन्हांस हो रही है पिक्चर थोड़ी सी आपकी, सैचुरेशन भी इसमें अलग से बढ़ाएगा तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद टूल में आप बाकी जो पिक्चर्स हैं वो जो भी टूल्स हैं वो आप खुद देखें, सर्च करें तो आपको खुद समझ आएगा कि वो बेसिकली करता क्या। आप सेलेक्टेड एरिया भी इसमें क्रॉप कर सकते हैं, जो बाकी चीज़ें क्रॉप हो जाएंगी जो सेलेक्टेड एरिया है वो आपका क्रॉप नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टिकर्स का इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें स्टिकर्स का इस्तेमाल कम करें, बट स्टिकर्स उस तरह के यूज़ करें जो कि आपके नेम या आपने कमिंग सून डालना है। जैसे मैंने रिसेंटली ये सारे स्टिकर्स यूज़ किए हुए हैं, और स्टिकर्स ख़ुद भी बना सकते हैं आप। उसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगी कि आप अपने नेम का या अपनी पिक्चर का स्टिकर बना सकते हैं। अब इस पे एडिट करूंगी मैं टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें, हिबा ओवैस। और जब मैं इसको ओके करूँगी तो यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे, जो भी फॉन्ट आप सेलेक्ट करना चाहें आप कलर उस पर सेलेक्ट करें। यूजली आई लव येलो कलर, थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है फॉन्ट उससे, और वाइट ही रहने देते हैं हम, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। फिर हम स्ट्रोक मीन्स कि आप इसकी आउटलाइन क्या रखना चाहेंगे, एंड स्पेसिंग क्या आप अपने वर्ड्स के बीच में कितनी स्पेस चाहते हैं, लाइन में कितनी देखें स्पेस, इट डिपेंड्स कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। एंड बाकी ऑप्शन आपको ट्राई करें तो आपको आइडिया होगा। टेक्स्ट हमारा हो गया, टेक्स्ट को मैं अपने यहाँ पे कहीं पे सेट करती हूँ जहाँ मेरा दिल करेगा, ये मैंने कर दिया। अब इस टेक्स्ट को अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हम ओपेसिटी, जैसे आप ब्लर करना चाहें, मिसाल के तौर पे आपने अपना लोगो ऐड करना है यहाँ पे कि पिक्चर कोई और यूज़ ना करे, तो ओपेसिटी यूज़ करते हैं हम, इसको ब्लर कर दिया आपने लाइट का एंड आपकी पिक्चर आपकी हो गई, ठीक है ना। ये ज़्यादातर लोग घर पे अपनाते हैं, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा हो गया सेलेक्ट, एंड अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ठीक है। इसके बाद हम ऐड फोटो को योर पिक्चर्स पे ऐड करना चाहें तो वो आपको योर पिक्चर यहाँ से गैलरी से सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। ब्रशेज़ इसमें बहुत मज़ेदार से हैं, इसमें जैसे ये प्लांट का ब्रश है, प्लांट इज़ नॉट प्लांट इज़ अ लीव, इसका ब्रश अगर आप टूल सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा ही लोड हो जाए, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे
स्लीव आ गए, तो यहाँ पे अगर स्मोक सेलेक्ट करते हैं तो स्मोक आ गया, ठीक है ना। इट डिपेंड्स कि आप क्या इसमें, अगर स्पार्कलिंग आपने ऐड करनी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आप क्या सेलेक्ट करें, ठीक है। बाकी एक्सप्लोर करना आपका काम है। आपको बॉर्डर ऐड करना है तो आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। देखें, आप बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर के आउटलाइन बॉर्डर एंड आउटर बॉर्डर, लेंस फ्लेयर, ये सारी चीज़ें खुद देखें आप। कॉल आउट में आप कोई भी इस तरह का वो डाल के इसमें टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। तो बस इट्स वेरी सिंपल, इट डिपेंड्स ऑन योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आपके हिसाब से क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये वाला ट्यूटोरियल पिक्चर एडिट करना। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप डेली बेसिस पे पिक्चर्स को एडिट करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ साफ होता जाएगा, जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, लाजमी अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ कर सकते हैं। ब्रशेज़ इसमें बहुत मज़ेदार से हैं, इसमें जैसे ये प्लांट का ब्रश है, प्लांट इज़ नॉट प्लांट इज़ अ लीव, इसका ब्रश अगर आप स्टूल सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा ही लोड हो जाए, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे लीव आ गए।